तो दोस्त, एक मेरे पास जॉब ओपनिंग है, डेस्कटॉप सपोर्ट, आईटी सपोर्ट या टेक सपोर्ट के लिए आप बोलो। तो मैं आपको एक क्राइटेरिया बता देता हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए उसमें, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर मुझे पिंग करोगे तो हो सकता है आपका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। तो जो मेनली फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको मैक्सिमम 1 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 से 3 साल टोटल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल पहले कभी बैकएंड में किया है, कॉल सेंटर में 1 साल किया है एंड फिर आपको डेस्कटॉप सपोर्ट या आईटी सपोर्ट में आपको अराउंड अराउंड 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। टोटल एक्सपीरियंस आपका 3 ईयर्स का होना चाहिए एंड आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 95 के बाद होना चाहिए, मतलब 1995, 1997, 1998 ऐसे करके होना चाहिए, 2000। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो बाकी हम कंसीडर कर रहे हैं। एंड इसके अलावा दोस्त, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1992, 93, 89 ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आपको नेटवर्क का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक L1 प्रोफाइल है, जो बेसिक डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट की प्रोफाइल होती है। ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हों एंड बेटर होगा अगर आपके पास एक टेक्निकल डिग्री है। अगर टेक्निकल नहीं भी है और आपको एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, तब भी आप मुझे अपना CV भेज सकते हो, मेरा नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल है तभी आप भेजें, क्योंकि फिर वहाँ पर चैट करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा या इन द लास्ट टाइम ही बर्बाद होगा। तो मैक्सिमम 3 साल का एक्सपीरियंस।